गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद गौरव। मेरे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, ये चैनल मेरा काफी पुराना है, लगभग 2 साल हो चुके हैं मुझे इस चैनल को बनाए हुए। और मैंने स्टार्टिंग में काफी वीडियोस अपलोड भी की थी, लेकिन फिलहाल 1-1.5 साल के से मैं जो है इस पर एक्टिव नहीं हूँ, बिकॉज मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था। और मैंने सोचा था एक बार प्रिपरेशन कर लेता हूँ अच्छे से, फिर जब मेरा सिलेक्शन कहीं पे श्योर हो जाएगा तो उसके बाद से मैं चैनल को फिर से शुरू करूंगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा जो है वीडियो के अंदर सिलेक्शन हो चुका है, लगभग मतलब 238 रैंक है, तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। और उसके अलावा मैं कनिष्ठ की जो टाइपिंग है वो भी दे के आया हूँ। बाकी एग्जाम्स के अंदर भी जो इस साल के अंदर हुए हैं, वहाँ पे मेरा एंड टू एंड रहा था, मतलब 1-2 मार्क्स से ही जो है पीछे रहा। तो इस 1-1.5 साल के अंदर मैंने काफी ज्यादा फोकस किया स्टडी के ऊपर, UK SSSC के ऊपर, और फाइनली जो है मुझे वहाँ पे सफलता मिली है। और अब मैं चाहता हूँ कि मैं UK SSSC से हटके UK PSC के ऊपर फोकस करूँ। और आप सभी जानते हैं कि UK PSC के अंदर जो आने वाली वैकेंसी है वो है उत्तराखंड RO ARO, यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी। ओके, तो उस एग्जाम के रिगार्डिंग अब मैं अपने चैनल पे तैयारी करूंगा। मैं खुद अपने लिए तैयारी करना चाहता हूँ, और अगर मेरे साथ साथ अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। जो भी नए सब्सक्राइबर हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी मेरे को जितना भी टाइम लगेगा मैं वीडियोस बनाता रहूंगा, ठीक है ना। तो बाकी इस एग्जाम के रिगार्डिंग, ये यानी कि UK SSSC के रिगार्डिंग जो भी स्ट्रेटेजीज हैं, जो भी बुक्स हैं, या जो भी अदर चीजें जो है जो हम मैंने की है, किस प्रकार से और क्या क्या टेस्ट सीरीज आप कर सकते हैं, ये सब चीजें मैं अलग से वीडियो में बनाऊंगा। आप लोग मुझे बता देना कि वो वीडियोज बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए UK PSC की तैयारी पे फोकस करते हैं, और उसमें मैं शुरुआत करूंगा एंशियंट हिस्ट्री से। एंशियंट हिस्ट्री से ही शुरुआत होती है, क्योंकि शुरू से ही शुरू करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। जो भी अगर कई बच्चे हैं जिनको आता है अच्छे से, लेकिन फिर भी जो नए बच्चे हैं वो फिर से शुरू करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एंशियंट से ही हम शुरू करेंगे, और उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे मिडिवल, मॉडर्न, और धीरे धीरे अदर सब्जेक्ट की तरफ बढ़ेंगे। बाद में फिर रीजनिंग वगैरह भी मैं कराऊंगा, जितना भी टाइम मुझे लग पाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम। और आपको पता है, एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि एग्जाम का जो लेवल है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। UK SSSC पे जो लोग फोकस कर रहे हैं वो उसी पर फोकस करें पूरी तरीके से, क्योंकि अभी जो है नई वैकेंसीज उसमें आने वाली हैं। और ये है कि जो दोनों जगह फोकस कर रहे हैं वो सही नहीं है। UK SSSC वाले उसी पर फोकस करें, और आने वाले टाइम में बोल रहे हैं कि उसमें CUT, मतलब जो एंट्रेंस एग्जाम है, जैसे कि यूपी के अंदर लागू है ऑलरेडी, उस तरीके की व्यवस्था भी यहाँ पे होने जा रही है, जिसमें साल में एक बार एग्जाम होता है और उसको आपको क्लियर करना होता है, फिर ही आप उस साल के अंदर जो भी एग्जाम होते हैं उसको दे पाओगे। यानी प्रीलिम्स और मेंस टाइप का ही एक तरह से कह सकते हो। तो वो उसके होने के बाद जो है और ज्यादा जो है वो डिफिकल्टीज आएंगी, तो इसीलिए अब तैयारी जो है वो हल्के में नहीं हो सकती है। आप बिना डेडिकेशन के तैयारी करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं, ठीक है। और बाकी जो UK SSSC पे नहीं, जो UK PSC पे फोकस कर रहे हैं, तो वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। UK SSSC वाले भी जुड़ सकते हैं, उनको फायदा ही मिलेगा, नुकसान तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। जैसे मैंने बताया कि एंशियंट हिस्ट्री से जो है वो हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर हम यहाँ पर प्राचीन भारत की बात करें, तो प्राचीन भारत में जब भी हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, हड़प्पा सभ्यता की या सिंधु घाटी सभ्यता की, ठीक है ना। और इसके जो कार्यकाल के, यानी कि कब से कब तक ये रही, इसमें अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग है। बहुत सारी बुक्स के अंदर इसमें किसी में 2700 भी है, किसी में 1500, 2500 से 1500 दे रखा है, लेकिन सबसे सर्वमान्य काल 2500 से लेकर 1750 BC तक इसमें माना जाता है, ठीक है। और इस स्थल के बारे में जो खुदाई वगैरह हुई थी उसमें अलग अलग चीजें हैं, वो मैं आपको बताते रहूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है प्राक ऐतिहासिक या कांस्यकालीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि यहाँ पर कांसे की जो धातु है उसका प्रयोग किया गया था, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले जो है 1921 में दयाराम जो साहनी है उनके द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी। इससे पहले भी हालांकि जो है यहाँ पे 1800 लगभग 56 के आसपास, यहाँ पे जब ट्रेन का काम चल रहा था लाहौर और कराची के बीच में, तो वहां पे दो जो इंजीनियर्स थे उन्होंने इस बार पहली बार इस सभ्यता के जो प्रमाण थे वो खोज दिए थे, लेकिन उस टाइम पे उस पर ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है ना। तो प्रॉपर तरीके से जो है 1921 के अंदर जो दयाराम साहनी जी हैं उन्होंने
हड़प्पा नाम का जो पहला स्थल जो इसके अंदर खोजा उस सब इसीलिए इस सभ्यता का नाम जो क्या पड़ा, हड़प्पा सभ्यता पड़ा। ठीक है, 1922 के अंदर जो राखल दास बैनर्जी हैं उन्होंने मोहन जोदड़ो नामक स्थल की खोज की, यानी कि जो दूसरा स्थल है वो कौन सा है, मोहन जोदड़ो, और पहला स्थल जो खोजा गया वो है आपका हड़प्पा, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। 1924 के अंदर जो है ASI यानी कि जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे जॉन मार्शल टीटो, और उनके द्वारा पूरी दुनिया के सामने इस जो सभ्यता है उसको रखा गया, यानी उसको प्रमाणित तरीके से रखा गया कि भाई इस तरीके की कोई सभ्यता यहाँ पर एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, उसके बाद 1925 में मैके और एमसी मजूमदार और 1931 में चौहंद्रो की खोज सिंध में प्रांत, यानी कि 1931 में चौहंद्रो नामक जो स्थल है उसकी खोज की गई, और उसके अलावा 1925 में मैके नाम के व्यक्ति ने खोज की। तो ये कुछ अलग अलग व्यक्ति हैं जिनके नाम कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा रंगपुर तथा लोथल की खोज रंगनाथ राव गुजरात में 1953-54, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जो रंगपुर और लोथल की खोज किसके द्वारा की गई, तो ये याद रखना है रंगनाथ राव नाम के व्यक्ति के द्वारा, और ये स्थल कहाँ पर है, गुजरात के अंदर 1953-54 में इसकी खोज की गई। उसके अलावा जो रोपड़, रोपड़ कौन सी जगह है, पंजाब, उसकी खोज भी 1953-56 के बीच में हुई थी। उसके अलावा आलमगीरपुर, आलमगीरपुर यूपी के अंदर है, 1958 के अंदर इसकी खोज यहाँ पर खुदाई की गई थी, किसके द्वारा, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल है वो है मोहनजोदड़ो, यानी कि जो सबसे बड़ी साइट है वो मोहनजोदड़ो है, लेकिन भारत के अंदर सबसे बड़ी साइट है वो है राखीगढ़ी। ठीक है, तो अगर आएगा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है तो वो है मोहनजोदड़ो, जबकि अगर आएगा कि हड़प्पा का जो भारत के अंदर सबसे बड़ा स्थल है वो है राखीगढ़ी जो कि हरियाणा के अंदर स्थित है। धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी की पहली साइट है जिसे यूनेस्को द्वारा 2021 में विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है क्योंकि इसको यूनेस्को ने अपनी जो जो विश्व विरासत है यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो होती है उसकी एक हर साल लिस्ट अपडेट होती रहती है, तो उसके अंदर धौलावीरा जो भारत के अंदर स्थित है उस स्थल को शामिल किया गया है। ठीक है, उसके अलावा अगर टोटल ऐसे ये इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है अगर देखा जाए तो बहुत सारे स्थल हैं, टोटल अगर हम बात करें तो 1400 से भी ज्यादा जो है इसके पुरातन स्थल खोजे गए हैं, जिसमें से मोस्ट ऑफ यानी कि लगभग 900, 950, 900, 950 के आसपास जो स्थल है वो पाकिस्तान के अंदर है। भारत के अंदर जो है वो मात्र, सॉरी, भारत के अंदर इसमें ज्यादा स्थल है, मतलब 925 के आसपास भारत में है, तो 450 के आसपास जो है वो पाकिस्तान में, लेकिन जो बड़ी साइट्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर हैं, सो पुरानी साइट्स है ना। अगर हम बात करें इसके विस्तार की कि कहाँ से कहाँ तक जो है ये सिंधु घाटी जो हमारी सभ्यता है उसका विस्तार था, तो इसके विस्तार को हम इस तरीके से देखते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें ऊपर नॉर्थ में, तो ये ऊपर कश्मीर जो हमारा राज्य है उसके अंदर मांदा एक जगह है, वहां पे जो है ये इसकी जो सबसे ऊपरी साइट है वो देखी गई है। नीचे जो है दाइमाबाद जो कि अंदर महाराष्ट्र के अंदर है वहां पर इसकी सबसे निचली साइट देखी गई है। पूर्व में जो है आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है वहां पर इसकी सबसे ईस्ट वाली जो साइट है वो देखी गई है, और सूतका गैंडोर या सूतको गैंडोर जो है वो बलूचिस्तान के अंदर है। तो यहाँ पर ये चारों इसकी सीमा को निर्धारित करते हैं। अगर हम पूर्व से पश्चिम की तरफ लंबाई को देखें तो ये 1600 किलोमीटर, और नॉर्थ वेस्ट यानी कि सॉरी नॉर्थ साउथ यानी उत्तर दक्षिण में जो है लंबाई जो है यहाँ पर 1400 किलोमीटर के आसपास, 1400 किलोमीटर के आसपास के 1400 किलोमीटर आंकी गई। ठीक है, तो ये इसका जो है आपका विस्तार हो जाता है। अगर हम इसमें नगर योजना की बात करें तो यहाँ पर हमें एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है या जो हड़प्पा सभ्यता है वो एक नगरीय सभ्यता थी, ये पूछा जाता है, क्योंकि वहां पर जो है वो जो व्यवस्थाएं हैं वो नगर, आधुनिक जो नगर होते हैं जैसे प्लांड सिटीज होते हैं उसकी तरह व्यवस्थाएं पाई गई हैं। यहाँ पर देखिए कि जो नियोजित जल निकास प्रणाली यानी कि पानी के निकास के लिए, पानी के उसको निकालने के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से प्लांड तरीके से, क्योंकि नालियों का विकास किया गया था है ना, और ज्यादातर जो जो यहाँ पर नालियां थी उसमें क्या किया गया था, जो ईंटें हैं उनका प्रयोग किया गया था, तो यानी कि पक्की ईंटों का, केवल एक साइट ऐसी है जहां पर लकड़ी का प्रयोग था, बाकी जगह ऐसी थी जहां पर जो है पक्की ईंटों से बनी हुई नालियां थी। ठीक है,
और ग्रिड सिस्टम जो है उसका प्रयोग सड़कों तथा गलियों में किया गया था। ग्रिड सिस्टम मतलब इस तरीके से जो है, इस तरीके का सिस्टम था कि ग्रिड सिस्टम है ना, बीच में सड़कें थी, फिर उसके दोनों तरफ घर बने हुए थे जिनके जो मुंह थे वो पीछे की तरफ खुले हुए थे, यानी कि घर जो है वो सड़क की तरफ नहीं खुलते थे। उसके अलावा ईंटों की जो लंबाई की बात करें तो यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये 4:2:1 है ना, इस तरीके का अनुपात मिलता है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। अभी लास्ट टाइम जो है यूकेपीएससी के अंदर एग्जाम हुआ था उसमें सिक्कों का कुछ अनुपात ऐसा कुछ पूछ लिया गया था, ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार आ रहे हैं है ना। अगर हम बात करें तो बृहत स्नानागार, ये मोहनजोदड़ो से मिला है जो कि अनुष्ठानिक स्नान के लिए प्रयोग होता था है ना। अनुष्ठानिक स्नान माने कि जो कुछ पर्व होते थे, बड़े पर्व होते थे या कुछ फंक्शन होते थे या जो राजकीय फंक्शन होते होंगे उसके अंदर, इसमें अनुष्ठानिक जो स्नान है उसके अंदर ये बृहत स्नानागार प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर नगरों की बात करें तो इसमें जितने भी साइट्स हैं वो आपके यहाँ पर बेसिकली देखे गए हैं कि दो टीलों पर बसे गए है ना, जिसमें कि दो टीला ये है कि एक तो उसमें ऊंचा टीला होता है, एक निचला टीला होता है। तो जो ऊंचा वाला टीला होता है बेसिकली वहां पर जो है दुर्ग दीवार से घिरा हुआ है ना, तो जो ऊंचे टीले हैं उस पर रहते थे जो शासक वर्ग के लोग हैं, जो शासक वर्ग के लोग हैं इसलिए उनकी सुरक्षा ज्यादा रहती होगी, इसलिए इस प्रकार के जो ऊंचा टीला था वो दीवारों से घिरा हुआ रहता था, यानी दुर्ग से घिरा हुआ। और जो निचला शहर है वहां पर बेसिकली कृषक या कोई जो निम्न तबके के लोग हैं वो रहते होंगे, तो वहां पर उतनी सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके का इसमें नगर योजना थी। आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करें आर्थिक योजना कि जो यहाँ पर आर्थिक गतिविधियां थी उसमें क्या क्या चीजें देखी गई है। अगर हम आर्थिक गतिविधियों की बात करें, मुख्य जो उद्यम है यानी कि इनका जो मुख्य इनका पेशा था वो तो कृषि ही था, उसके अलावा प्रमुख फसल यहाँ पर इनकी थी गेहूं और जौ, ये इंपॉर्टेंट है। चावल के जो साक्ष्य मिले हैं, चावल उगाने के साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ कहाँ से मिले हैं, लोथल और रंगपुर, ये गुजरात में स्थित है ना। आप सभी जानते हैं कि जो पोर्ट है लोथल था वो वहां पे क्या था, एक पोर्ट था यानी कि एक बंदरगाह था है ना, और यहाँ पे चावल के साक्ष्य मिले हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे जब इस तरीके की चीजें पढ़ते हैं तो साथ के साथ उसको याद भी करना है, यानी कि उसको हम अगर एग्जाम के अंदर आएगा ये चीज कि चावल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं तो वो वहां पे हम किस तरीके से उसको दिमाग में लेके आएंगे और किस तरीके से गैस करेंगे ऑप्शन को देके, वो भी हमें दिमाग में रखना पड़ता है। ठीक है, केवल पढ़ेंगे तो एग्जाम के अंदर, हम जब एग्जाम के अंदर ऑप्शन आएगा तो हमें समझ ही नहीं आएगा कि हम क्या करें, लेकिन पढ़ते पढ़ते हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हम एग्जाम के अंदर इसको याद कैसे करेंगे है ना। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ चावल के साक्ष्य, तो मैं मतलब कुछ भी आप लॉजिक के हिसाब से याद रख सकते हैं, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। जैसे मैं ये इसको ऐसे याद रखता हूँ कि जैसे लोथल है वहां पर बंदरगाह था, तो वहां से जो है चावल जाता होगा आता होगा, तो वहां पर चावल कुछ गिर गया, इस वजह से वहां पर चावल जो है रह गया और इसलिए उसके प्रमाण वहां पर मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी हर चीज को याद रखने की कुछ ट्रिक बनाइए। उसके अलावा अन्न भंडार के, अगर हम अन्न भंडारण की बात करें तो अन्नागार या जिसको अन्न कोठार भी बोला जाता है उसका प्रयोग किया गया था, यानी कि जो अनाजों का है उसके लिए अन्न कोठार, उनके स्टोर का प्रयोग किया गया था। उबड़दार जो वृषभ है यानी कि उबड़ वाला जो बैल है उसकी मोहरों का यहाँ पर अंकन मिला है। अश्व अस्थि प्राप्ति, सूरकोरदा, तो सूरकोरदा जो जगह है वहां से घोड़े का जो हड्डी है उसके कुछ साक्ष्य मिले हैं। प्रमुख उद्योग जो है वस्त्र निर्माण, तो यहाँ पर ये लोग जो है काफी ज्यादा वस्त्र निर्माण करते थे। विश्व में सर्वप्रथम यहाँ के निवासियों ने कपास की खेती और सूती वस्त्रों का निर्माण किया था है ना, तो ये जो सूती वस्त्र जो है वो उसका निर्माण करते थे, वस्त्र भी पहनते थे। इस जो एंशियंट सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, आपने देखा होगा मोहनजोदड़ो, ऋतिक रोशन की है वो, तो उस मूवी के अंदर भी देखा गया है कि वहां पे जो है इस तरीके से कपड़े या कपास की चीजों का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, आप मतलब हालांकि उसमें बहुत सी चीजें सच नहीं है लेकिन उस मूवी को देख सकते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया लेना है कि यहाँ पे क्या चीजें होती होंगी, तो उसके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो है अधिकांश जो मोहरें मिली हैं वो मिली हैं किसकी, सेल खड़ी। तो सेल खड़ी जो है वो एक प्रकार का पत्थर है, उसकी जो है मोहरें यहाँ पर मिली हैं।
उससे मतलब सेल खड़ी से उनका निर्माण हुआ है। अगर हम बात करें व्यापार में वस्तु विनिमय का प्रयोग, वस्तु विनिमय यानी कि एक एक चीज लो दूसरी चीज दो, इस तरह के चीजें जो है वो बाटा सिस्टम जो पहले चलता था वो उस तरीके की चीजें वहां पर देखेंगे व्यापार में। यहाँ पर एक मेलुहा प्रदेश का भी जिक्र आता है, जिस जो एक्चुअली में जो सिंधु प्रदेश है उसी के लिए जो है मेलुहा यूज किया जाता था। और विदेश जो व्यापार है ये मुख्य रूप से इनका सुमेरिया और बहरीन, इन दो जगहों से यहाँ पर विदेश व्यापार होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें आयात की, इम्पोर्ट, इम्पोर्ट में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे सोना हो गया, सोना जो है वो साउथ इंडिया, दक्षिण भारत, अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। तांबा राजस्थान के खेतड़ी और बलूचिस्तान से मंगाया जाता था। अभी भी राजस्थान का जो ये इलाका है ये तांबे के लिए काफी फेमस है, आप जानते हैं। लाजवर्द जो है वो अफगानिस्तान और हिंदुकुश के बदख्शां जो क्षेत्र है वहां से मंगाया गया था, लाजवर्द। उसके अलावा फिरोजा फारस से, फारस यानी कि ईरान। उमेद जो है वो सौराष्ट्र से, संक्षेप जो है मध्य एशिया, मिडिल ईस्ट, और उसके अलावा शंख सौराष्ट्र और दक्षिण से मंगाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बंदरगाह नगर, ये मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि जो बंदरगाह नगर है ये था यहाँ पर कौन, लोथल। तो लोथल जो है वो फेमस यहाँ पर बंदरगाह नगर देखा गया है। अगर हम उद्योग धंधे, शिल्प और इनकी बात करें तो चांदी सर्वप्रथम, चांदी जो है भारत में सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई थी, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चांदी, चांदी कहाँ पर पाई गई थी, वो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर पाई गई थी। बालाकोट, लोथल और चहुंदड़ो, ये तीन जगह ऐसे हैं जहां पर सीप और चूड़ी जो निर्माण है उसका केंद्र पाया गया है। ठीक है, तो सीप और चूड़ी निर्माण का केंद्र कहाँ पर पाया गया है, बालाकोट, लोथल और चहुंदड़ो, ये तीन जगह ऐसी हैं जहां पर ये सीप निर्माण का कार्य जो केंद्र है वो देखे गए हैं। सामाजिक जीवन की बात करें, सामाजिक जीवन का मुख्य आधार यहाँ पर परिवार था, ऑब्वियसली बात है परिवार रहा होगा। और यहाँ पर पक्की मिट्टी या टेरा कोटा से बनी हुई मूर्तियां, पक्की मिट्टी, पक्की पक्की मतलब पकी हुई आग में जो है मिट्टी को पका के उसको हार्ड बना देते थे, और उसी को, उससे जो मूर्तियां बनती थी उसको टेरा कोटा कहते थे, और उससे मूर्तियां बनती थी। ठीक है, नारी की मृण्य मूर्तियों की संख्या में अधिक, तो यहाँ पर नारी की जो मृण्य मूर्तियां हैं उनकी संख्या भी देखी गई है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे अगर धार्मिक जीवन की। धार्मिक जीवन में बेसिकली ये क्या थे, तो यहाँ पर देखिए क्लियरली कुछ नहीं है कि ये पर्टिकुलरली यहाँ के लोग किसी एक चीज को फॉलो करते होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है हिंदू धर्म से रिलेटेड कुछ साक्ष्य मिले हैं, उसके अलावा यहाँ पर कब्रिस्तान भी मिले हैं, है ना, दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो पर्टिकुलरली यहाँ पर देखा गया कि मातृ देवी जो है इसका प्रमुख स्थान माना गया है, क्योंकि मातृ देवी की पूजा करते थे, है ना। उसके अलावा जो है पशुपति हो गया, पशुपतिनाथ हो गया, लिंग योनि पूजा, वृक्ष और पशु जो पशु है उनकी उपासना, लेकिन प्रकृति पूजा पे यहाँ पर बहुत विशेष ध्यान दिया जाता था। मोहन जोदड़ो से पद्मासन में बैठे हुए तीन मुख वाले मोहर पर तीन सिंह, यानी एक बाबा की मूर्ति यहाँ पर मिली है जो कि तीन मुंह वाला पुरुष है ना, ये मोहन जोदड़ो से मिला है। उसके अलावा स्त्री के गर्भ से यहाँ पर पौधा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है एक मूर्ति के अंदर, जो कि मोहन जोदड़ो से मिली। तो ये दिखाता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो क्या थे, प्रकृति प्रेमी थी, प्रकृति मात मतलब जो प्रकृति है उसको देवी की तरह मानते थे, क्योंकि स्त्री के गर्भ से पौधा निकल रहा है और उस मूर्ति के चारों तरफ जो है वो तीन से चार लोग बैठे हुए हैं और उस देवी की आराधना कर रहे हैं, ऐसी वो मूर्ति है। तो इसका मतलब कि वो लोग क्या मानते थे, एक उस चीज को मतलब मातृ देवी को पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते। उसके अलावा पशु पूजा की बात करें तो एक सींग वाला गैंडा है ना, वन हॉर्न राइनो, जो कि आज के डेट में कहाँ पर पाया जाता है, असम में पाया जाता है, काजीरंगा में। इस तरीके के एक सींग वाला जो गैंडा है वो जो पशु पूजा में बेसिकली देखा गया, और कुबड़ वाला बैल जो है वो मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा जो पवित्र पक्षी यानी कि जो इनका जो बहुत ज्यादा पवित्र मानते थे, जिसको वो था फाख्ता, है ना, फाख्ता यानी कि कबूतर की एक तरह से प्रजाति कह सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये पूछा जाता है कि अग्निकुंड और अग्निवेदिकाएं कहाँ से मिली हैं, तो ये मिली है लोथल से, लोथल वही जो बंदरगाह जहां पर स्थित है। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि जो अग्निकुंड और अग्निवेदिकाएं हैं वो कहाँ से मिली हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोथल के अंदर मिली हैं। तो इसको भी आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो बंदरगाह है यानी कि जो पोर्ट है वहां पर आते जाते लोग क्या कराते होंगे, हवन करवाते होंगे, इसलिए वहां पे अग्निवेदिकाएं मिली। ठीक है, उसके अलावा कालीबंगन, कालीबंगन की बात करें तो कालीबंगन का मतलब है काले रंग की चूड़ियां,
और ये जो स्थान है ये कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर है। ठीक, तो याद रख सकते हैं आप, राजस्थान के अंदर महिलाएं देखा होगा आपने, बड़े बड़े घूंघट के अंदर रहते हैं और उन्होंने चूड़ियां पहनी रहती है, तो काली रंग की चूड़ियां पहनी रहती है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। जो यहाँ पर समाधान की बात करें तो तीन प्रकार से होता था, एक तो होता था पूर्ण दहन, ठीक है, तो पूर्ण दहन के अंदर यहाँ पर पूर्ण दफन, सॉरी, पूर्ण दफन के अंदर इस जो आदमी है उसको सीधे गाड़ दिया जाता था, बड़े बड़े पत्थरों से उसको ढक दिया जाता था। आंशिक दहन के अंदर जो है यहाँ पर जो है वो कुछ हद तक जो है उसको गाड़ा जाता था, फिर छोड़ दिया जाता था। और तीसरा था दाह संस्कार के बाद अस्थियों का दफन, जो कि अभी भी होता है, जो दाह संस्कार है उसको किया जाता है और जो बची कुची हड्डियां हैं उसको दफन कर दिया जाता था। इस तरीके से तीन तरीके से यहाँ पर जो है आपका जो क्रिमिनेशन यानी कि अंतिम संस्कार देखे गए हैं। अगर हम बात करें कि राजनीतिक जीवन, तो यहाँ पर शासन जो है वो व्यापारी हर वर्ग के हाथों में था, क्योंकि जो यहाँ पर व्यापारी वर्ग है वो काफी प्रभावी देखा गया है, और ऐसा राजा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं देखा गया। तो इसका मतलब जो जो भी जो एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासन था, उस पे जो अधिकार था वो किसका था, व्यापारी वर्ग का था। व्यापारी वर्ग जो है यहाँ पर काफी पावरफुल था। जो मोहनजोदाड़ो मूवी है उसके अंदर भी ये चीज दिखाई गई है कि वहां पर जो व्यापारी वर्ग है वो काफी ज्यादा पावरफुल था। ठीक है, अगर हम बात करें लेखन कला की, है ना, तो लेखन कला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, लेकिन इसकी लिपि को पढ़ा ही नहीं जा सकता, क्योंकि लिपि कैसी है, चित्र लेखात्मक यानी कि पिक्टोग्राफ, यानी कि जो भी चीजें लिखी गई हैं वो किसी ऐसे अलग अलग टाइप के चित्र बना के, किसी में इस तरीके से, किसी में कुछ इस तरीके से। अब ये चित्र क्या कहना चाहते हैं ये अभी तक नहीं पढ़ा जा चुका। हालांकि अगर ये चित्र वाली जो लिपि है इसको अगर पढ़ा जाता तो काफी जो है नई नई चीजें मतलब सामने आ सकती थी इस सभ्यता के बारे में, लेकिन इसको नहीं पढ़ा जा सका है। ठीक है, ये पिक्टोग्राफिक यानी कि चित्र लेखात्मक जो यहाँ पर लिपि देखी गई है, ये इसको भाव चित्रात्मक भी बोलते हैं अलग अलग नामों से, लेकिन मोटा मोटा ये है कि ये जो लिपि है ये पढ़ी नहीं जा सकी। अगर हम सभ्यता का अंत की बात करें तो किन कारणों से इन सभ्यता का अंत हुआ होगा, देखो इसके कई कारण है, कोई एक पर्टिकुलर कारण नहीं है। कोई लोग कहते हैं कि बाढ़ आई होगी, कोई कहते हैं भूकंप आया होगा, किसी ने बोला कि आर्यों का आक्रमण, सामाजिक ढांचे में बिखराव के कारण, यानी कि अलग अलग जो इतिहासकार हैं उनकी इसमें अलग अलग थ्योरीज हैं। ठीक है, पर ज्यादातर लोग इसमें जो है वो बाढ़ को ही मानते हैं कारण, है ना, इतनी बड़ी सभ्यता वरना इस तरीके से बिखराव होना पॉसिबल नहीं है। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात करें जो कहाँ कहाँ से मिली है, देखिए हड़प्पा से बात करें तो यहाँ पर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट मिला है स्वास्तिक का चिन्ह। जो स्वास्तिक का चिन्ह हम देखते हैं वो हड़प्पा में मिल चुका है। पुजारी की जो है प्रस्तर मूर्ति, यानी कि पत्थर की जो बनी हुई पुजारी की मूर्ति है वो हड़प्पा से मिली है। उसके अलावा 6 अन्नागार, अन्नागार यानी कि जो अन्न जो है उनको रखने के भंडार थे, अन्नागार या अन्न कोठार। ठीक है, उसके अलावा हम बात करें दूसरा स्थल जो है वो है मोहनजोदड़ो। इसका शाब्दिक अर्थ होता है बेसिकली, जो मोहनजोदड़ो है ना ये सिंधी भाषा का शब्द है, सिंधी, पाकिस्तान के अंदर जो सिंध क्षेत्र है वो सिंधी क्षेत्र का शब्द है मोहनजोदड़ो, और इसका मतलब होता है मृतकों का टीला, है ना, मौत का टीला या मृतकों का टीला। इसके अंदर देखिए यहाँ पर क्या क्या चीजें मिली है, पशुपति जो है उनकी मोहर मिली है। पशुपति वही है जो दाढ़ी वाले बाबा हैं, उसको पशुपति शिव बोला गया है, उसकी मोहर मिली है। विशाल अन्ना स्नानागार, बहुत बड़ा एक स्नानागार मिला है, और यहाँ पर सबसे बड़ी इमारत है अन्नागार या अन्न कोठार। अब देखिए जो 6 अन्नागार हैं वो तो हड़प्पा से मिले थे, लेकिन जो सबसे बड़ी इमारत है यहाँ पर वो अन्नागार या अन्न कोठार है। अब वहां पर कई बुक्स के अंदर ये स्नानागार दे रखा है, लेकिन वो गलत है। जो सबसे बड़ी इमारत यहाँ पर देखी गई है वो है मोहनजोदड़ो की, वो है अन्नागार या अन्न कोठार, जो कि मोहनजोदड़ो में है। बाकी जो 6 छोटे वाले अन्नागार है वो यहाँ पर भी देखे गए हैं। उसके अलावा दाढ़ी वाले जो व्यक्ति है उसकी मूर्ति, और देवदासी की मूर्ति, ये यहाँ पर एक देवदासी की मूर्ति मिली है जो कि नृत्य नारी मतलब नृत्य मुद्रा में है, और इसमें बेसिकली थोड़ा खंडित स्थिति में, तो इसलिए उसका एक हाथ टूटा हुआ है ना। ये जो आर्ट एंड कल्चर वाली बुक है एनसीईआरटी की, उसके अंदर इसकी फोटो भी दे रखी है, मैंने देखी थी, तो उसके अंदर देखा गया कि ये नृत्य नृत जो नारी है उसका जो एक हाथ है वो टूटा हुआ है, बाकी ये नृत्य नृत मुद्रा में दिखाई गई है। ठीक है, उसके अलावा कांसे जो है उसका पैमाना यहाँ पर मिला। ये सब चीजें आपको मोहनजोदड़ो के अंदर याद रखनी है। अगर हम बात करें काली बंगन घग्गर नदी के तट पर, हरियाणा में जो है वो घग्गर नदी है, उसके तट पर यहाँ पर
काली बंगन जो है वो यहाँ पर, काली बंगन बेसिकली काले राजस्थान के अंदर मैं बता चुका हूँ, यहाँ पर जुते हुए खेत के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जुते हुए खेत के साथ। अब यहाँ पर कैसे याद रखोगे, काली बंगन का मतलब था काले रंग की चूड़ियां, ठीक है ना। बताया था अभी कि काले रंग की चूड़ियां, तो यानी कि अगर हम बात करें काले रंग की चूड़ियां, और चूड़ियां कौन पहनती है, महिलाएं पहनती है, और इसलिए खेतों में जो है वो खेत जोतने कौन जाएंगी, महिलाएं जाएंगी। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य जो है वो कालीबंगन से मिले हैं। जल निकास की प्रणाली का अभाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाकी जो जगह है वहां पर मैंने बताया आपको कि ईंटों से बनी हुई पक्की नालियां हैं, लेकिन जो ये स्थान है कालीबंगन, यहाँ पर लकड़ी की नाली है ना, यानी कि जो नालियां हैं वो लकड़ी से बनी हुई, और अलंकृत ईंटें तथा अग्निकुंड, अलंकृत मतलब जिस पर डिजाइनिंग वगैरह की गई है। अब महिलाओं को ये सब पसंद है तो इसलिए उन्होंने करी होगी। तो अलंकृत ईंटें और अग्निकुंड यहाँ पर देखे गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करें लोथल की, तो हम अभी अभी बात कर चुके हैं कि जो लोथल है वो कैसा था, एक बंदरगाह सिटी था, यानी कि पोर्ट था यहाँ पर। तो यहाँ पर डॉकयार्ड, सॉरी डॉकयार्ड कहते हैं उसको, डॉकयार्ड में जो है चावल उपजाने के साक्ष्य मैंने बता दिया था अभी। युगल समाधान, युगल समाधान मतलब जहां पर जो है वो एक दो लोगों को एक साथ दफनाया गया, इस तरीके से युगल समाधान ग्रुप में दफनाया गया है, वो यहाँ पर मिले हैं। और कैसे याद रखोगे, यहाँ पर देखिए लोथल एक बंदरगाह नगर है और यहाँ पर जगह की कमी होगी, इसलिए एक साथ दो लोगों को दफनाना पड़ा, तो इस तरीके से आप इसको याद रखोगे। फारस की मोहरें जो है वो और नाव के साक्ष्य, तो बंदरगाह पे नाव तो आएगी, तो इसलिए नाव के साक्ष्य याद रखना आसान है, और फारस की मोहरें क्योंकि फारस से व्यापार होता था, तो मोहरें वहां पर मिली थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आप बात करेंगे चहुंदड़ो, एकमात्र शहर है जो कि नगर दुर्ग के बिना था। मैंने बताया ना आपको सारे शहरों में जो है ऊपरी जो टीला था उस पर नगर दुर्ग थे, लेकिन चहुंदड़ो में इस प्रकार से नहीं था। यहाँ पर ये एक चीज देखी गई है, उसके अंदर लूसेंट के अंदर पूछा गया था कि झोकर और झांकर की जो संस्कृति है उसका विकास कहाँ पर हुआ था, तो वो चहुंदड़ो के अंदर है। उसके अलावा जो बिल्ली है उसका पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बिल्ली है उसका पीछा करते हुए कुत्ता, उनके निशान देखे गए हैं, तो वो चहुंदड़ो के अंदर देखेंगे। और वक्राकार ईंटें और कांस्य की बैलगाड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है सारे, वक्राकार ईंटें और कांस्य की जो बैलगाड़ी है ये चहुंदड़ो के अंदर देखी गई है। अगर हम धौलावीरा की बात करें, तो धौलावीरा जो है फेमस है उन्नत जल प्रणाली, यहाँ पर जो जल निकासी प्रणाली है वो बहुत अच्छी तरीके से दिखाई मतलब डेवलप थी। और भारत के अंदर जो है दूसरी सबसे बड़ी साइट भी धौलावीरा है, पहली कौन सी थी, राखी गढ़ी जो हरियाणा के अंदर है, वो मैंने आपको बता चुका हूँ। उसके अलावा अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है जो पूछे जाते हैं, एक तो पूछा जाता है R37 कब्रिस्तान, तो ये हड़प्पा के अंदर है। मातृ देवी जो है वो हड़प्पा के अंदर। मनके का कारखाना चौंदड़ों से मिला है। घोड़े का कंकाल सूर कोटदा से मिला है। गेहूं की खेती रंगपुर से। जौ की खेती वो बनावली से। पंचतंत्र की लोमड़ी के साक्ष्य सदृश कहानी लोथल से। तो बेसिकली पंचतंत्र एक कहानी है, संग्रह आप जानते हैं, और इसके जो रचयिता है वो कौन है, विष्णु शर्मा है ना, तो उनकी जो कहानी में एक कुछ होगा इस तरीके का मतलब प्रसंग होगा लोमड़ी, तो वहां पर उसी तरीके का प्रसंग जो है दिखाया गया है कहाँ पर, लोथल के अंदर, ठीक है। उसके अलावा कृषि का पहला जो उदाहरण है वो लोहरा देव, ये भी पूछा गया था। और कपास का जो पहला उदाहरण है वो देखा गया, यानी कि साक्ष्य देखा गया कहाँ से, मेहरगढ़। हड़प्पा का जो आकार है ये पूछा गया है कि ये किस प्रकार से, यानी कि सभ्यता है वो, उसका जो साई आकार था वो कुछ इस प्रकार से था ना, इस तरीके से, तो यानी त्रिभुजाकार जो पूरा क्षेत्रफल है उसमें ये फैली हुई थी। और सर्वाधिक जो प्रचलित मोहरें हैं वो कैसी हैं, वर्गाकार, यानी कि वर्गाकार आकृति की जो मोहरें हैं वो सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रचलित हैं, ठीक है। और जो मोहरें हैं वो उसमें सेल खड़ी का प्रयोग किया गया है, ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है दोस्तों, और इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स आते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जाम के रिगार्डिंग, वो मैं कवर करा चुका हूँ। तो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट करके जरूर बताना, और इसी तरीके से आगे भी क्लासेस बनाता रहूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना काफी है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।